बाणगंगा थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने के मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बाणगंगा थाना टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया कि पुलिस ने 3 दिन पहले शांतिनगर में चल रहे प्रियांशी ऑनलाइन सेंटर पकड़ा था। यहां पर फर्जी आयुष्मान, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज बनाए जाते हैं। यहां से प्रदीप और अजय को गिरफ्तार किया था। प्रदीप को जेल भेज दिया था और अजय मंगलवार तक रिमांड पर है। आरोपितों को जब गिरफ्तार किया तो पता चला था कि उन्होंने पोर्टल प्रिंट .xyz की पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति से 4500 रुपए में फ्रेंचाइजी ली थी, जिनमें फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं। QR कोड जनरेट करने के साथ ही एडिटिंग भी की जाती थी। फ्रेंचाइजी देने वालों को जब पता चला तो उनने पूरा डाटा डिलीट कर दिया। हालांकि पुलिस ने ऐप की फ्रेंचाइजी देने वाले की भी तलाश की, लेकिन वह अभी पकड़ में नहीं आया है। आरोपितों से यह भी पता चला कि उन्होंने हजारों में आयुष्मान कार्ड फर्जी तरीके से बनाए हैं। आयुष्मान कार्ड के अधिकारियों को भी पुलिस ने सूचना दी है, लेकिन अभी उनसे बात नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि इनमें कई और आरोपितों के नाम सामने आ सकते हैं। जांच में रोहित चौधरी पालिका प्लाजा और आकाश, जो कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा केंद्र में काम करने वाले के नाम सामने आए थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। सर, आधार कार्ड के मामले में दो और अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सर, क्या है पूरा मामला, क्या सामने आया? पुलिस ने जब प्रथम दृष्टया अपराध कायम किया था उस वक्त प्रदीप को और अजय हिरवे को अरेस्ट किया था। इनके जो मोबाइल हैं उससे ये जो डिमांड भेजते थे प्रपत्र तैयार करने के लिए, उस पर जो PDF के रूप में जो प्रपत्र इनको प्राप्त होते थे, उन चैटिंग को हमने डेवलप किया और उसमें जो प्रपत्र मिले तो वो प्रपत्र जिन्होंने तैयार किए थे, फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। वो लोक सेवा केंद्र के लोग हैं। तो उन दो लोगों को जिनको लेकर आए, उसके पहले एक तीसरे आदमी को और अरेस्ट किया था, देवीलाल को। देवीलाल जो है उसने जब बताया कि ये कागजात मैंने फलां फलां व्यक्ति को दिए थे बनने के लिए, तो उनमें हमने फिर रोहित को और आकाश को कल उठाया, उनको इंट्रोगेट किया, उनके मोबाइल देखे तो उसमें पाया कि इन लोगों ने जाति प्रमाण पत्र देवीलाल ने इनके जरिए बनवाए थे। स्थापित संबंध होने की बात ऐसी है कि ये एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो एक पहले जो पहले मुलजिम पकड़ाए थे वो xyz.com करके जो एक लिंक था उससे बनाते थे, लेकिन जैसे ही वो पकड़ाए तो वो लिंक जो थी उसने गूगल से उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया सामने वाले आरोपी ने, जिसने कलकत्ता में बैठ के तैयार की थी। अब इनने आधार कार्ड, वोटर आईडी ऐसे 3 प्रपत्र बनाते थे वो जो बंदे पहले पकड़ाए थे। उसके बाद फिर जो इनके जब मोबाइल पे चैटिंग देखी तो जाति प्रमाण पत्र सामने आए, फिर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी बनाए हैं, फिर आयुष्मान कार्ड भी बनाए। तो ये अलग अलग एजेंटों से बनवाए गए हैं, जिनसे जो कागजात तैयार कराए हैं इनने, उनको ला के पूछताछ शुरू की गई है। तो उसमें उसी सिलसिले में कल 2 लोगों को अरेस्ट किया है। तो ये 2 लोग जो हैं इनको आज हम कोर्ट में पेश करेंगे। अभी हमने कल 90 जाति प्रमाण पत्रों की सूची तैयार की है और उनके जो प्रकरण क्रमांक हैं वो हमारे जो IO हैं जबर सिंह यादव जी, ये लेकर कर कार्यालय में गए थे, संबंधित कार्यालय में। इन्होंने वहाँ पर एक लेटर दिया है कि ये जो 90 प्रपत्र जाति प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं, क्या इनके प्रकरण क्रमांक दायरा रजिस्टर में उन्हीं के नामों से दर्ज हैं अथवा नहीं, इसकी जानकारी हमने चाहिए। सामान्य तौर पर 25 रुपये 40 रुपये लगते हैं, ये ग्राहक देख के जैसा भी होता था, किसी से 3000 रुपये, किसी से 3500 रुपये, किसी से 2000 रुपये, किसी से 1500 का सूचते थे। अब ये बहुत कठिन है कहना कोई कब इनको, जब ID मिली होगी तब से मान लें अपन, जब से इनको ID इशू हुई होगी। देखिए अभी तो हम इनका जो बिल्कुल नज़दीकी लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये संख्या बढ़ेगी,